आर्थिक तौर पर पिछड़े माने जाने वाले उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों ने कोविड के बाद निवेश के मोर्चे पर तेज तरक्की दर्ज की है। इन राज्यों के निवेशकों ने बीते चार साल में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट में जोरदार इजाफा किया है। डेटा थिंक टैंक प्राइस के मुताबिक पिछड़े राज्यों में अब तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ पर बूम टाउन का डेवलपमेंट हो रहा है, जिनमें जयपुर, कोटा, पटना, इंदौर, भोपाल और लखनऊ प्रमुख बूम टाउन है। इन शहरों में सालाना 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों की तादाद बढ़ गई है, जिससे यहाँ के लोग शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और सोने में तेजी से निवेश कर रहे हैं। इसके असर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों से अब इक्विटी और गोल्ड में ज्यादा निवेश होने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 4 साल में करीब 4.5 गुना शेयर निवेशक बढ़े हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में निवेश भी करीब 3 गुना हो गया है। मध्य प्रदेश में शेयर में निवेश करने वाले 4.5 गुना और म्यूचुअल फंड निवेशक 3 गुना बढ़ गए हैं। इन्हीं 4 साल में बिहार में शेयर निवेशक 4 गुना और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। राजस्थान शेयर निवेशकों की संख्या के मामले में कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर 4थे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि निवेश में हुआ ये इजाफा हैरान भी करता है, क्योंकि इन राज्यों में लोगों की औसत आमदनी निवेश के अनुपात में कम बढ़ी है। 4 साल में इन राज्यों में लोगों की इनकम 50 से 70% तक बढ़ी है। फिलहाल देश में म्यूचुअल फंड में कुल निवेश 64.68 लाख करोड़ रुपए का है। इस फंड में निवेश 4 साल में एमपी में 203% तो यूपी में 190% बढ़ा है। इक्विटी के साथ ही गोल्ड में भी अब उत्तर भारतीयों का निवेश बढ़ता जा रहा है। 4 साल में सोने की ज्वेलरी की सबसे ज्यादा खरीद बिहार में बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सोने की खरीद 89% बढ़कर देश में सबसे ज्यादा रही है। वहीं एमपी में भी गहनों की खरीद 55% बढ़ी है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या के आधार पर यूपी ने गुजरात को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। फिसड्डी राज्यों में शुमार बिहार भी अब टॉप 11 में शुमार हो गया है। इसकी वजह है कि बड़े पैमाने पर फिक्स डिपॉजिट का पैसा बैंकों से निकालकर शेयर बाजार में आया है। ये उत्तर भारतीय शहरों में ज्यादा हुआ है, क्योंकि वो अब ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। दक्षिण भारतीय राज्य शेयर बाजार जैसे जोखिम वाली एसेट क्लास से बचते रहे हैं, इसलिए 4 साल में वहाँ निवेश करने वालों की संख्या और निवेश रकम में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।